नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो टॉपिक है कि व्हाट्सएप पर डिलीट हुए मैसेज को कैसे देखें। आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से जो भी लोग स्मार्टफोन में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मैसेजेज हो वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में हो, तो ये सारे इस वीडियो मैंने कवर किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन करें आप। जहाँ आपके किसी दोस्त ने आपको कोई वीडियो भेजा या कोई मैसेज भेजा और मैसेज भेज करके उसने डिलीट आउट करके डिलीट आउट कर दिया, अगर आप चाहते हैं वो मैसेज भी डिलीट आउट वाले मैसेज भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो आप कैसे देखें। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो चलिए ठीक है भाइयों, मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने एक मोबाइल ले रखा है, ठीक है, इसमें मैं पहले नंबर तो अपना व्हाट्सएप ओपन करूंगा। ये मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, ठीक है ना, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में उस तरह के मैसेज को देखने के लिए मुझे सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर के नोटा सेव नामक एक ऐप को डाउनलोड करना है। मैंने ये डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, नोटा सेव नामक ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही नोटा सेव को आप ओपन को डाउनलोड करते हैं, चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ अनइंस्टॉल करके, इसको फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना जी। मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया नोटा सेव को, अब मैं फिर से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन इसकी चालू हो गई है, 7% हो गया है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नोटा सेव जो मेरा ऐप है ये ऐप डाउनलोड हो गया। अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ नोटा सेव को। अब मैंने जैसे इसको ओपन किया तो ये मेरे को इसको स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, अलाउ का परमिशन मांगा, अलाउ किया, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट करने का नोटा सेव को यहाँ से परमिशन देंगे, सॉरी यहाँ से परमिशन देंगे अलाउ के लिए, अलाउ दे दिया नोटा सेव को। अब मैं बैक आ जाऊँगा, जैसे ही बैक आऊँगा तो ये एक्सेस मांगेगा फोन और मीडिया फाइल के लिए, अलाउ करेंगे इसको हम, नेक्स्ट अलाउ करेंगे। अब ये इसको सारे का सारा सिंक्रोनाइज करना शुरू किया। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप हैं वो सारे ऐप आ जाएंगे। मैं इस नोटा सेव को कहीं भी यूज़ में ले सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मुझे तो अभी यूज़ करना है व्हाट्सएप पे, तो मैं व्हाट्सएप को इनेबल करूँगा। ये व्हाट्सएप को मैंने इनेबल किया, इनेबल करके बैक आ जाएंगे। जैसे ही बैक आते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट मैंने किया और बैक हो जाएंगे हम, ठीक है ना। नोटा सेव मेरा ओपन हो गया है, ठीक है, ये नोटा सेव मेरा ओपन हो गया। अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला ये हूँ, ठीक है ना, कि मैंने व्हाट्सएप को इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है ना। व्हाट्सएप चला गया मेरा नोटिस में, व्हाट्सएप मैंने ओपन किया। अब मैं, ये मेरा दूसरा मोबाइल है, इस दूसरे मोबाइल से मैं इस दूसरे मोबाइल से मैं मैसेज भेजने का काम करता हूँ अभी, ठीक है ना। तो ये मैंने मैसेज यहाँ पे किया हेलो, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने मैसेज किया हेलो, ये मैसेज मेरा यहाँ आ गया, हेलो का मैसेज यहाँ मुझे मिल गया है। अब मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, ये मैंने हेलो का मैसेज आ गया। अब इस मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन, ये देखिए डिलीट फॉर एवरीवन मैंने किया, ये मैसेज डिलीट हो गया, मैसेज यहाँ से भी डिलीट हो गया और जिसने भेजा वहाँ से भी डिलीट हो गया, लेकिन ये मेरा मैसेज रियल में डिलीट नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने नोटा सेव ओपन किया और ये देखो, ये नोटा सेव मैंने जैसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे को मैसेज जो डिलीट मैंने किया था वो मैसेज मुझे यहाँ मिल गया। तो अगर आप में से भी कोई चाहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन करना किसी और भी ऐप में यूज़ करना, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, उन लोगों के लिए जो पर्सनल चैट करते हैं, जो चाहते हैं कि आपका पर्सनल मैसेज यहाँ हो। इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से किसी मैसेज के चैट करता हूँ तो ये मैसेज मेरा पर्सनल मैसेज में चला जाता है। देखिए, ये मैंने मैसेज का चैट किया, ठीक है ना, ये पर्सनल मैसेज में चला गया। अब मैं इसको जब व्हाट्सएप पे जाता हूँ, जो रियल में मेरा व्हाट्सएप है, वहाँ पे ये सारे मैसेजेस यहाँ भी दिखेगा आपको, ठीक है ना। वहाँ से चैट करके वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अनहाइड हो जाएगा वहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे शेयर करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।